आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। ये गाना साल 1992 में आई फिल्म जिगर का है, जो एक मार्शल आर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म थी। उस दौर में इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म की एंटरटेनिंग स्टोरी ने दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, जिसके चलते आज भी आपको इस फिल्म के कई दीवाने देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि इस फिल्म में काम करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स से रूबरू करवाने वाले हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर्स। नंबर 5 पर है माधवी। इस फिल्म में माधवी सहायक अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में भले ही इनका किरदार काफी कम समय का था, लेकिन उस समय में भी ये दर्शकों के बीच अपनी एक खास छाप छोड़ पाई। अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम रैल्फा शर्मा है, जिनके साथ इन्होंने साल 1996 में अपना घर बसाया था। आपको बता दें कि रैल्फा शर्मा प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन हैं, जो लंदन में रहकर अपना बिजनेस संभालते हैं। नंबर 4 पर हैं परेश रावल। इस फिल्म में परेश रावल सहायक अभिनेता के तौर पर लाल बिहारी का जबरदस्त किरदार निभाते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम स्वरूप संपत है, जिनके साथ इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। आपको बता दें कि स्वरूप संपत प्रोफेशन से फिल्मी मैदान की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने की एंड का और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंबर 3 पर है अरुणा ईरानी। इस फिल्म में अरुणा ईरानी राजू की मां की भूमिका निभाते हुए नजर आई थीं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपने मां के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया था और दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की। अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम संदेश कोहली है, जिनके साथ इन्होंने साल 1990 में शादी की थी। आपको बता दें कि संदेश कोहली प्रोफेशन से एक फेमस फिल्म राइटर हैं, जिन्होंने सुहाग और फूल और कांटे जैसी फिल्मों का निर्माण किया है और खूब सफलता हासिल की है। नंबर 2 पर हैं अजीत खान। इस फिल्म में बाबा ठाकुर का एक ऐसा किरदार था, जिसने अपने सकारात्मक किरदार से सभी के मन को मोह लिया था, और इस किरदार को निभाया था अजीत खान ने, जो फिल्म में राजू को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हुए नजर आए थे। अगर बात करें इस दिग्गज अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम शहीदा अली खान है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। शहीदा एक हाउसवाइफ है, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन शहीदा से पहले अजीत ने फ्रेंच की एक लेडी के साथ अपना घर बसाया था। नंबर 1 पर हैं अजय देवगन। इस फिल्म में अजय देवगन ने एज अ लीड एक्टर राज वर्मा का किरदार निभाया था, जिन्हें फिल्म में प्यार से राजू कहकर पुकारा जाता है। इस फिल्म में इन्होंने अपने एक्शन सीन से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। अगर बात करें इस जबरदस्त एक्टर की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम काजोल है, जिनसे इन्होंने 1999 में शादी की थी। आपको बता दें कि काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिसमें इश्क और बाजीगर जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में इन कलाकारों में से सबसे अच्छी एक्टिंग किस कलाकार की लगी थी, आप उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।